बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बनाएंगे चिकन मैक्रोनी। ठीक है, बहुत ही इजी, सिंपल एंड क्विक रेसिपी है। तो चले आएँ रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एंड तक लास्ट में देखिएगा वीडियो, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पहले हम लोग पानी बॉयल करेंगे, ठीक है। और इस पानी के अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधे चम्मच काफ़ी है। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, पानी बॉयल हो जाएगा, देन हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि तो पानी भी बॉयल हो चुके हैं, इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। एक ग्लास है जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैक्रोनी जो है हमने निकाल लिए, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा ठंडे पानी से लाजमी गुजारेंगे, ताकि ये आपस में स्टिक ना हो जाए, चिपक ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैक्रोनी हम लोग की बॉयल हो चुकी है। साथ ही हम एक और कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इस ऑयल के अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन कुटा हुआ, और हम लोगों ने अपनी आंच बिल्कुल आंच पर रखी है। बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, हल्की आंच के ऊपर हम लोगों ने इस लहसुन को फ्राई करना है, ताकि ये लहसुन जले ना और अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए। ठीक है, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन है, बिल्कुल इसमें हड्डी नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ब्राउन ब्राउन कलर हो जाए। इसका जो पानी होगा उसको भी हम ड्राई कर लेंगे, उसके बाद ही इसका कलर अच्छे से चेंज होगा, और जो इसकी स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब ये चिकन जो शक्ल है, जो उसका कलर है, वो चेंज होना शुरू हो गया। इसको मज़ीद फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, क्योंकि ये ब्राउन जो हमसे डॉक खा गए। ठीक है, अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड करें। सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर टमाटर। अब हम लोग इसके अंदर शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। बारी बारी सब सब्ज़ियां हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और हम सब सब्ज़ियों को इसमें फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। मटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बंद गोभी ऐड करेंगे, एंड उसको भी अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। ठीक है, सब सब्ज़ियों को हमने अच्छे से फ्राई करना है, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, तो अब मैं इसके अंदर आलू भी ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप आलू ऐड करें, वरना बेशक मत ऐड कीजिए। हाँ, अगर आप ऐड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छे लगते हैं, टेस्ट में अच्छे लगते हैं, और बच्चे शौक से खा लेते हैं। अच्छा जी, तो ऑयल के अंदर हमारी सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करना। ये जो है जी चिली सॉस है, उसके बाद ये सोया सॉस, तो ये वाइट विनेगर है। ठीक है, हम इन तीनों चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, अब जो सारे सॉसेज हम इसके अंदर ऐड करते हैं, सबसे पहले हम लोग चिली सॉस ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको ऐड कर सकते हैं, हंस पे जायका आप इसको ऐड कीजिएगा। जितना आपको अच्छा लगे उतनी मिकदार रखिएगा, उसको उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। ये भी आपने जायके के मुताबिक यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, जिसको वाइट विनेगर भी कहते हैं। ये भी अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसके अलावा कोई मसाले आपने नहीं ऐड करने, यही इनफ होते हैं। इन्हीं से अच्छा खासा इसका टेस्ट बन जाता है। अब हम लोगों ने हर चीज़ को अच्छे से लो फ्लेम के ऊपर, हल्की आँच के ऊपर पका लेना है, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। मैंने इसको हल्की आँच के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए पकाया है। अब ये अच्छे से गल चुका है। जब ये प्रॉपर तरीके से पक जाए, तो हम लास्ट में इसके अंदर केचप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। सबसे बड़ा प्यारा कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी को ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे।
मैक्रोनीज़ को मिक्स करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि जो मैक्रोनीज़ है वो टूटे ना, मैश ना हो, बिल्कुल चमचा जो है आपने आराम आराम से हिलाना है और बिल्कुल आराम सुकून से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। माशाल्लाह से जी खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है और मुझे कलर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, होप सो आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। तो हम लोग की जो मैक्रोनीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करके और किसी भी बाउल में निकाल लीजिए। चलें जी आप देख सकते हैं कि हम लोग की जो मैक्रोनी है वो रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से कितना ही अच्छा कलर इसका आया है। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये सिंपल सी रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो फिर मेरी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।